हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ABX कोचिंग यूट्यूब चैनल। और आइए बात करते हैं इस वीडियो में क्वालिफिकेशन फॉर लोको पायलट 2020 में लोको पायलट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, तो आइए बात करते हैं इसी के बारे में बिल्कुल फुल डिटेल्स। आपको क्वालिफिकेशन अलग अलग टाइप से हो सकती है, शैक्षणिक हो सकती है, मेडिकल में हो सकती है, या फिर जो भी हो, लेकिन इसमें स्पेशली बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता कि आप कौन से क्या सब चीज़ पढ़ करके आप ITI बनने के लोको पायलट बनने के योग्य हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम बात करेंगे इसमें ITI ट्रेड। मैं आपको बताऊं कि ITI के वो 16 ट्रेड कौन कौन से हैं जिसको करने के बाद आप ITI बन सकते हैं, या फिर कौन सा ऐसा ITI का ट्रेड है जिसको अगर आप कर लिए तो आप लोको पायलट नहीं बन सकते हैं। उसका है इंजीनियरिंग ब्रांचेज कौन सा है जिससे आप लोको पायलट बन सकते हैं। इसके बाद फिर बेस्ट ITI ट्रेड, अगर आप ITI करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ITI कौन सा रहेगा ट्रेड जिसको कि करने के बाद आप बन सकते हैं लोको पायलट। या फिर NCVT और SCVT का कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट ITI के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को, स्टार्टिंग से देखते हैं कि ITI का कौन सा ट्रेड है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि वो चार ऐसा कौन सा तरीका है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आप लोको पायलट बनने के लिए आप चार तरह के शैक्षणिक योग्यता को हासिल करने के बाद आप लोको पायलट बनने के योग्य हो जाते हैं। तो आइए हम उसी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं वो कौन सा आपको चार तरीका है, जिसमें कि सबसे पहला है मैट्रिक या इसके इक्विवेलेंट। मैट्रिक इसी को हम लोग टेंथ भी कहते हैं, मैट्रिकुलेशन टेंथ, या फिर इसके समकक्ष माध्यमिक परीक्षा। इसके बाद इतना होना चाहिए अब प्लस ITI आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये रहा आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि मैट्रिक या फिर टेंथ या इसके समकक्ष जो भी है, इसके बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि मैट्रिक बाद आपने ITI कर रहे हैं तो आप शैक्षणिक योग्यता को पूरा कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसके लिए बिल्कुल जो उसको मान्यता में जो ट्रेड से बनना बन सकता है, अगर आप उससे करते तब बन सकते हैं। किसी भी ट्रेड से ITI या फिर डिप्लोमा करने पर आप नहीं बन पाएगा। तीसरा जो तरीका है जिसमें आपको ना तो ITI करना है, ना ही डिप्लोमा करना है, ना ही BTEC करना है, वो देखिए वो कौन सा तरीका है। इसमें होता क्या है कि 12 या फिर इंटरमीडिएट के बाद ITI का जो भी संबंधित ट्रेड है, अगर आप उससे किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अप्रेंटिस करते हैं तब भी आप बन सकते हैं। चौथा जो तरीका है वो आपका 12 के बाद, यानी कि 12वीं के बाद, इंटरमीडिएट के बाद आप BTEC किए हैं या फिर BE किए हैं तब भी आप बन सकते हैं। यानी ये बिल्कुल संभव, ये इतने तरीका है जिसमें कि आप बन सकते हैं लोको पायलट। अब देखिए, आपको अगर BTEC करना है तो आप डिप्लोमा के बाद भी BTEC कर सकते हैं, एक साल की छूट मिलती है। अगर आपको ITI हो चुका कंप्लीट, अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको ITI के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 साल में ही आपका डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा। अगर आप कहीं पर ऐसा होता है कि किसी स्टेट में कि अगर आप 12 कर जाते हैं डिप्लोमा करने के लिए तब भी आपका 2 साल में डिप्लोमा हो जाती है कंप्लीट। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिसको कि 2 साल वाली डिप्लोमा, जो ITI के बाद डिप्लोमा किए हैं और वो जो ट्रेड है वो बिल्कुल टैली करता है तब भी वो बन सकते हैं लोको पायलट। अगर उस पर 2 साल का डिप्लोमा है या फिर 3 साल का डिप्लोमा है, संबंधित ट्रेड से वो टच करता है, तब वो बिल्कुल लोको पायलट बन सकता है। ये तो रहा आपका कि कौन कौन से डिग्री वाले लोको पायलट के लिए आ सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि वो ऐसा कौन सा 16 ITI का जो ट्रेड है जिसको करने के बाद आप लोको पायलट बन सकते हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लीजिए ITI के जो 2 साल वाली ट्रेड होती है वही से सब बनता है लोको पायलट, लेकिन 1 साल वाली वो कौन सी ट्रेड है जिसको करने बाद लोको पायलट बन सकता है, और वो ट्रेड है आपका डीजल मैकेनिक। तो आइए हम जानते हैं वो 16 कौन सा ट्रेड है, सबको मैं यहां पे लिख के बताता हूं और देखते हैं कि है क्या ये सब। देखिए, वो सबसे पहला जो ITI का ट्रेड है उसका नाम है आर्मेचर एंड कॉइल बाइंडिंग। दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रीशियन। ये जो है इलेक्ट्रीशियन जो है ये सबसे ITI का सबसे बेस्ट ट्रेड है, अगर आप ITI करने वाले हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा इलेक्ट्रीशियन।
तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होता है दो तरह, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है दो तरह का, इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक करना चाहिए। उसका फिर देखिए चौथा वो है फिटर, उसका पांचवा जो हुआ है हीट इंजन, छठा जो है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है आपका छठा आईटीआई ट्रेड, जिसको करने के बाद आप लोको पायलट के लिए आ सकते हैं। आइए जानते हैं अब आगे। देखिए आपका सातवां जो ट्रेड है आईटीआई का वो है मशीनिस्ट। आठवां जो ट्रेड है वो है मैकेनिक डीजल, डीजल मैकेनिक। नौवां जो ट्रेड है वो है मिल राइट। दसवां है मेंटेनेंस मैकेनिक। दस ग्यारहवां जो ट्रेड है वो है मैकेनिक मोटर व्हीकल। बारहवां ट्रेड है वो है मैकेनिक रेडियो एंड टीवी। एक है देखिए मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, और एक होती इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो एंड टीवी, और एक होते इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेडियो एंड टीवी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक बेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेडियो एंड टीवी से। फिर देखिए तेरहवां जो है रेफ्रिजरेशन एंड एसी यानी एयर कंडीशनिंग। अब देखिए इसमें जो आईटीआई ट्रेड मैंने लिखा है अब तक इससे जस्ट पिछला जो वैकेंसी था उसमें ये सब था। अब होगा क्या कि अब आने वाला समय में कुछ ऐसा ट्रेड जिसको कि हटा देता है, लेकिन कुछ ऐसा ट्रेड जिसको कि कभी नहीं हटा सकता। तो जिसको कभी भी नहीं हटा सकता है उससे आपको आईटीआई करने में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। किसी किसी का मिलता है मतलब कि कुछ जैसे सीट मेटल से कोई कर लिया आईटीआई, अब उसको कभी उसका देता है कभी नहीं देता है। उसी तरह से और भी जो ट्रेड है जो कि पॉपुलर नहीं है, वही सब ट्रेड पॉपुलर जिसका कि प्रत्येक साल उसको मौका देता है लोकपाल बनने के लिए, और उसको करने बाद जरूर लोकपाल बन जाता है, तो आपको उसी से करना चाहिए। ये सब है लेकिन अगर आपको पहले उसका ऑप्शन मिलता है तो इसलिए अगला जो टॉपिक आ रही है वो है बेस्ट आईटीआई ट्रेड। मैं आपको बताऊँ चार ऐसा बेस्ट आईटीआई ट्रेड जिसको कि आपको जरूर कर लेना चाहिए। आइए ये 13 हो गया, अब देखिए 14वां और 15वां क्या होती है। 14वां जो आईटीआई का ट्रेड है वो है आपका ट्रैक्टर मैकेनिक, 15वां है टर्नर और 16वां है वायरमैन। यही 16 आईटीआई ट्रेड से अगर आप आईटीआई करते हैं तो आप लोको पायलट बनने के एलिजिबल हैं, योग्य हैं। अगर आप इसके अलावा किसी और ट्रेड से आप आईटीआई कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं तब आप लोको पायलट नहीं बन पाएगा, टेक्नीशियन बन पाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि यही 16 में से कोई एक अगर आपको मिल जाए तो उसको करना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बेस्ट आईटीआई कौन सा रही है। ये 16 आईटीआई जो कि लोको पायलट बनने के योग बनाती है आपको, लेकिन इसमें से भी जो सबसे बेस्ट है जिसको कभी नहीं हटा सकता तो वो मैं आपको बता रहा हूँ टॉप 4। तो आइए जानते हैं वो सब क्या है। आइए देखते हैं कि बेस्ट आईटीआई ट्रेड कौन सा होगा। बेस्ट आईटीआई ट्रेड में नंबर 1 हम मानते हैं इलेक्ट्रीशियन को। इलेक्ट्रीशियन आईटीआई ट्रेड है वो नंबर 1 आईटीआई ट्रेड, नंबर 1 रैंक 1। अगर आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रखे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपने एक गुड डिसीजन लिया था चाहे जाने अनजाने ही सही। इलेक्ट्रीशियन जो है वो सबसे बेस्ट आईटीआई है, क्योंकि मैं आपको इसलिए इसको बेस्ट मानता हूँ क्योंकि रेलवे के अलावा और भी किसी संस्था में अगर वैकेंसी निकलती तो इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी ज़्यादा निकलती है। रेलवे में ही देखिए टेक्नीशियन का जो पोस्ट निकलता है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों का बहुत ही ज़्यादा संख्या में पोस्ट निकलते थे, इसलिए आपको नौकरी लगने की संभावना ज़्यादा बनती है। अगर आप किसी और से करते हैं उसका भी पोस्ट निकलता है लेकिन उसमें बहुत कम सीट होती है। आइए दूसरा जो है उसको मानते वो है फीटर। वह फीटर जो है ये आपका सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे आपका है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एक है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो एंड टीवी। तो रेडियो एंड टीवी वो बेस्ट नहीं है, आपके लिए बेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। रेडियो एंड टीवी से अगर आप करते हैं तब भी आप बन सकते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। आइए हम लोग देखते हैं चौथा, और ये बिल्कुल ईजी भी है जो कि मैक्सिमम जो लोग करते हैं जिसके पास समय बहुत कम होता है वो है डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक ये होती है सिर्फ और सिर्फ एक साल की आईटीआई, लेकिन अगर आप डीजल मैकेनिक से आईटीआई कर लेते हैं तब भी आप लोको पायलट बन सकते हैं। ये आपका रहा टॉप 4, यानी ये चारों जो ट्रेड्स आईटीआई अगर आप करते हैं तब आपका लोको पायलट बनने की ज़्यादा चांसेस रहती है।
तो ये रहा आपका बेस्ट आईटीआई ट्रेड। अब हम बात करते हैं आपको एनसीबीटी और एससीबीटी क्या होती है। देखिए आईटीआई का जो आप लोग करते हैं आईटीआई, ये एक तरह की ट्रेनिंग होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो ये जो प्रशिक्षण है वो यहाँ पे एन मतलब होता है नेशनल, यानी कि एनसीबीटी का फुल होता है नेशनल सर्टिफिकेट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और एससीबीटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट सर्टिफिकेट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। दोनों का बिल्कुल सेम मान्यता होता है, कुछ भी अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी अंतर होता है एनसीबीटी की मान्यता। अगर आप कंपनी में जाते हैं तो आपको एनसीबीटी का ज़्यादा आपको मान्यता मिलेगा। इसलिए अगर आपके पास चांस बनता है कि एनसीबीटी अगर आपको मिल रहा है, आप जितना भी प्राइवेट आईटीआई कीजिए सब जगह पे लगभग में एनसीबीटी देता है, तो आपको एनसीबीटी को पहले रखना चाहिए और एससीबीटी को दूसरे नंबर पे, यानी कि बाद में। अगर आपने दोनों में से किसी एक में भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि एससीबीटी का नहीं होगा एनसीबीटी का ही होगा, या फिर ऐसा नहीं कि एनसीबीटी सीनियर होता है एससीबीटी जूनियर होता है, ये सिर्फ होता है प्राइवेट कंपनी के लिए। तो वहाँ पे अगर आपको एनसीबीटी करते तो वो बेस्ट होता है एससीबीटी की अपेक्षा। वैसे दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। एससीबीटी वही जो आपका जो सर्टिफिकेट मिला वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, एनसीबीटी वाली जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको नेशनल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो सेंट्रल तो करना ही चाहिए, इसलिए एनसीबीटी कीजिए। अब देखिए आपको प्राइवेट से करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट, यानी कि आपको प्राइवेट से करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट यानी कि सरकारी से। अगर आप आईटीआई करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइवेट में आपको फीस देना पड़ता है, आपको फी चुकाना पड़ता है। तो प्राइवेट में इसका जो फी है जैसे दो साल वाली आईटीआई के लिए लगभग में आपके पॉकेट से जो कितना पैसा खर्चा होगा वो आपका 70,000 से 75,000 रुपये खर्चा होगा, 70,000 से 75,000 रुपये खर्चा होगा प्राइवेट से। अगर आप यही चीज़ गवर्नमेंट जाके करते हैं तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग कराने का जो फीस बिल्कुल नहीं लगता, एग्जाम फी वगैरह बहुत ही कम लगता है, तो आपका 5-10 हज़ार के अंदर में ही आपका 2 साल का आईटीआई हो जाएगा। आपका रहने खाने का वो अलग बात है। तो आपको सरकारी से अगर आपको मिल रहा है, लेकिन सरकारी में है कि इसमें सीट बहुत कम होती है, इसमें आपको इंट्रेंस टेस्ट यानी एग्जाम देकर के उस एग्जाम को पास करना पड़ता है, आपको अच्छी रैंकिंग आती है तब आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर मिल पाएगा। नहीं तो फिर अगर प्राइवेट से करते तो आप वहाँ पे तो नॉर्मली बहुत सारे कॉलेज होते हैं, आप उसका फीस दीजिए और हो गए। अगर हो सके तो आप एग्जाम दीजिए, इंट्रेंस टेस्ट पास कीजिए, और आपको गवर्नमेंट अगर मिल रही है अच्छा ट्रेड के साथ मिल रही है तो कर लीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट में भी जो ट्रेड मैंने अब बताई वो सब जरूरी नहीं, तो अगर आपको उससे मिल रहा है तो आप मत कीजिए, आप प्राइवेट कर लीजिए। ये 70,000-75,000 रुपये आपको 2 साल में देना होता है, एक साथ नहीं देना पड़ता है। तो इसलिए देखिए जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो वो ही कीजिए, और किसी तरह कुछ दिक्कत हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं। आइए तो ये रहा आपका सरकारी प्राइवेट। अब एक चीज छूट रही है, एक टॉपिक जो कि मैंने दूसरे नंबर पर लिखा था, वो है इंजीनियरिंग का कौन सा ब्रांच होगा जिससे आप कर सकते हैं। जिसमें देखिए इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर बीटेक बीई, ये सब इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो देखिए तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये सबसे बेस्ट होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये सबसे बेस्ट होती है। एक होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग दूसरे नंबर पे, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एक होते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एक होती है आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अगर आप इसके अलावा आप सिविल इंजीनियरिंग से करते तो आप लोको पायलट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ये सब से अगर आपको इंजीनियरिंग किए हुए या फिर करना है तो आप यही सब से कर लीजिए, तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा, लोको पायलट आप बन पाएगा, या फिर यही सब लगभग में हम बिल्कुल मेन मानते हैं। कंप्यूटर साइंस वालों का मान्यता नहीं मिलता है, सिविल वालों का मान्यता नहीं मिलता है, या फिर अगर आईटीआई में भी अगर आप आईटी से करते हैं यानी आईटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से करते हैं तब भी आप नहीं बन पाएगा लोको पायलट। तो ये रहा आपका ब्रांच आईटीआई का ट्रेड। आप हमें बताएं कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ,
आप ये सब चीज कर चुके या फिर करने वाले या फिर कर रहे हैं तो तैयारी आप आज से ही शुरू कीजिए। आप लोगों की तैयारी के लिए मैंने लिखा है बुक जिसका नाम है मास्टर नोट्स, जो सभी सब्जेक्ट की आती है, और इसके अलावा आपको स्मार्ट वीडियो कोचिंग जो कि आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो आप ये दोनों प्रोडक्ट का यूज करके आप इजिली एक बार में 100% गारंटी के साथ आप लोगों पायलट बन पाएगा। अगर आप बनना चाहते हैं तो प्लीज हमें कॉल कीजिए और ये कोचिंग और नोट्स के बारे में पता कर लीजिए, आपको कैसे मिलेगी और कहाँ से मिलेगी, कितने प्राइस में मिलेगी। थैंक यू सो मच, आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो के लिए। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एक किताब लिखा जिसका नाम है बिकम लोको पायलट। अगर आप उस किताब को लेकर के लोको पायलट बनने का पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तब भी आप उस किताब को खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और अगले वीडियो में फिर से हम किसी टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।